तो हाँ भाई लोग, क्या हाल चाल है? उबर तो होंगे आप सब लोग, अच्छे होंगे। तो आज हम इस रूम में कुछ अलग टाइप के बस मोड के बारे में बात करेंगे गाइस। मतलब इसमें आपको नॉर्मल सा कैबिन व्यू देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन इसमें आपको एक पैसेंजर व्यू देखने को मिलता है गाइस, जो कि देखने में एकदम दास हुए और चलाने में भी बहुत ही बढ़िया लगता है गाइस, और देखने में भी बहुत ही ज़बरदस्त है। ओवरऑल मोड भी बहुत ही कमाल का है गाइस, और आज हम इसी मोड का रिव्यू करेंगे और आपको इसका पूरा इंटीरियर एक्सटीरियर और इसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस कैसा है उसके बारे में पूरा इन्फो देंगे गाइस। तो मेक श्योर करें आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, और उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर प्लेयर हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ घंटे को भी ज़रूर दबाइए, और हमें इंस्टाग्राम पर भी ज़रूर फॉलो करें गाइस, क्योंकि हम उधर भी ड्राइंग रिलेटेड कंटेंट लाते रहेंगे। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसमें आपको डोर्स पे जाने को मिलेगा गाइस, उसके लिए आपको एनिमेशन की नंबर 1 को प्रेस करना पड़ेगा, तब आपको डोर जाने को मिलता है। तो डोर ओपनिंग एनिमेशन सब कुछ काम करता है गाइस, और आप इसका पूरा एक्सटीरियर लुक पूरा देख सकते हो। एक TNSTC बस मोड है, और इस बस मोड को MDP अल्ट्रा गेमर चैनल ने बनाया है गाइस, और मैंने पहले भी इस बस मोड का रिव्यू किया है, लेकिन उसमें आपको मतलब उस बस मोड में आपको ड्राइवर व्यू देखने को मिलता था, लेकिन इसमें आपको पूरा पैसेंजर व्यू वाला ड्राइविंग देखने को मिलता है गाइस, जो कि देखने में अच्छा है। और उसके अलावा बाकी मोड का फीचर्स एनिमेशन सब कुछ सेम है गाइस। तो टोटल इसमें आपको 3 तरह के एनिमेशन की देखने को मिलेगा गाइस। तो पहले वाले एनिमेशन से डोर्स आती है गाइस, और उसके अलावा आगे को और भी हम पूरा निकल जाता है, और दूसरे वाले एनिमेशन से पैसेंजर पूरा निकल जाता है गाइस, और तीसरा वाला एनिमेशन से पूरा स्टीयरिंग व्हील सब कुछ चेंज होता है। ओवरऑल इसका इंटीरियर आप देख सकते हो, एकदम बढ़िया सा आपको इंटीरियर देखने को मिलेगा, डैशबोर्ड भी बहुत ही कमाल का है, और उसके अलावा आपको बहुत सारे एक्सेसरीज देखने को मिलते हैं गाइस, जैसे कि आपको कुछ चार्जर मतलब एक चार्जर देखने को मिलेगा, और उसके बाजू में आपको पैसा कुछ देखने को मिलता है गाइस, और उसके अलावा आपको एक मूर्ति भी देखने को मिलता है गाइस, जिसके जिस पर एक माला चढ़ा हुआ है, जब आप एजेड लाइट को ऑन करोगे तो माला पूरा ग्लो होता है गाइस, इसका पूरा इफेक्ट सब कुछ अच्छा है। और उसके अलावा आपको डैशबोर्ड में MDP अल्ट्रा गेमर का एक टेक्स्ट देखने को मिलेगा, वो भी जब आप ब्रेक मारोगे तो ग्लो करता है गाइस। इन सभी डिटेल्स बहुत ही बढ़िया लगा, और उसके अलावा आपको एक बैग भी देखने को मिलेगा गाइस, और ओवरऑल इसका इंटीरियर अच्छा है, TV और पूरा ऊपर की तरफ फ्रेम्स, रेडियो प्लेयर सब कुछ बहुत ही ज़बरदस्त है गाइस। तो म्यूज़िक प्लेयर सब कुछ ऐड किया है, और देखने में पूरा इंडियन वाला फीलिंग देगा गाइस, और आपको ओवरऑल मज़ा आएगा, और इसका चलाने का एक्सपीरियंस भी बहुत ही स्मूथ है गाइस, ब्रेकिंग और कंट्रोल सब कुछ बढ़िया है, और आप इसे बहुत ही आसानी से कंट्रोल कर पाओगे, और मोड भी बहुत ही स्टेबल है गाइस, और इसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस बहुत ही स्मूथ है और बहुत ही बढ़िया लगा। तो नीचे कमेंट करके आपको ये मोड कैसा लगा, तो मुझे तो बढ़िया लगा। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा गाइस, तो मैं आपसे अगले वीडियो में मुलाकात करूँगा, तो तब तक के लिए बाय बाय।
Thank you.